फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एकदम परफेक्ट कोन आप कैसे बना सकते हैं। अभी भी लास्ट मंथ जो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं वो कोन से रिलेटेड ही आए हैं, कि ट्राई करूँगी कि आपके जो भी कोन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे इसी वीडियो में कवर हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपके किसी काम की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं एकदम परफेक्ट कोन आपके कोन आर्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और ध्यान रखना है कि आपका जो बाउल है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जो स्पून आप ले रहे हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर मार्बल डस्ट पाउडर का कोन बनाने वाले हैं। तो मार्बल डस्ट पाउडर मार्केट में हमें खुला भी मिलता है, ये जहाँ से हम स्टोन वगैरह लेते हैं या मार्बल की जो शॉप होती है वहाँ से बहुत ही आसानी से आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये लोकल नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह के पैकेट में आता है। तो अब आपको लेनी है यहाँ पर 4 स्पून मार्बल डस्ट पाउडर और 4 स्पून यहाँ पर मैंने लिया है फेविकोल MR। दोनों को बिल्कुल सेम क्वांटिटी में आपको रखना है और बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे आपको इसको मिक्स करना है। जितना अच्छे से आप अपने पेस्ट को मिक्स करेंगे उतना ही स्मूथ आपका कोन चलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से मिक्स करें, इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। और आपको कुछ इस तरह का पेस्ट बनाना है जो आपकी स्पून से एकदम से ना गिरे, उसको गिराने में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं कि आपको जो कोन है वो कैसे रेडी करने हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, आप नॉर्मल जो पॉलीथीन होती हैं सॉफ्ट, उनसे भी कोन बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो पैकिंग पेपर होते हैं उनसे भी कोन काफी अच्छे रेडी हो जाते हैं। कोन को रेडी करना है और उसको बहुत अच्छे से इस तरह से सामने जहां से हमारा कोन का पतला वाला पार्ट है वहां उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, तभी आपका जो कोन है वो बिल्कुल एयर टाइट बनेगा और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। इस तरह से आप उसके ऊपर टेप लगा दें। आपको फिर इसके अंदर अपना जो पेस्ट है उसको बहुत अच्छे से डालना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसको स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये बहुत लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर करके रख सकें और आराम से इसके साथ काम कर सकें। ये मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनको कोन बनाना नहीं आता है। तो आप इस तरह से अपने कोन को बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। इसको आपको अगर स्टोर करके रखना है तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप इसको स्टोर करके रखें तो सामने वैसे तो आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर भी अगर वो रह जाता है तो आप इस तरह से उसके ऊपर टेप लगाएं और उनको एयरटाइट डब्बों में बंद करके रखें। और जब भी आपको काम करना हो तो टेप को निकालें और उसको आगे से कट करके दोबारा से अपना काम करना स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो कोन है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। अब जब भी आप इस तरह से कोन के साथ काम करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कोन आप चला रहे हैं उसका जो काम आ रहा है वो बिल्कुल गोल आना चाहिए, जैसे हम क्ले के साथ काम करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका जो कोन वर्क है वो बिल्कुल गोल आ रहा है एकदम से, वो फैल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका जो कोन है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। यहाँ पर देखिए, जो मैंने कोन के साथ काम किया है ये बिल्कुल गोल है, ये कहीं से फैल नहीं रहा है और कहीं से कुछ भी इसमें मोटा या पतला भी नहीं हो रहा है। आप देख लेते हैं कि कैसे आप अपने कोन के काम को बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट रख सकते हैं। आपको लेनी है इस तरह से वार्निश, और वार्निश को अपना जब आपका कोन वाला काम है वो सूख जाए उसके ऊपर बहुत अच्छे से इस तरह से अप्लाई कर देना है। इस तरह से वार्निश लगाने से आपका कोन वाला काम बहुत लंबे टाइम तक सही बना रहेगा और ख़राब नहीं होगा। वैसे तो फ्रेंड्स, आप बहुत तरह से कोन बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर भी 5 तरह के कोन कैसे बनाएं वो वीडियो डाली है, लेकिन सबसे अच्छा जो कोन होता है वो मार्बल डस्ट पाउडर का होता है। उसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप भी उससे काम करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।